ओके सो इस कोर्स में अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे दैट इज पाइथन, एंड जो लैंग्वेज यूज करेंगे फ्रेमवर्क यूज करेंगे जेंगो, एंड जो लैंग्वेज यूज करेंगे दैट इज पाइथन। बट आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे वेबसाइट्स के ऊपर, वेब टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और क्योंकि आप लोग कर चुके हो HTML CSS, तो कहीं पे आप भी मुझे इनपुट दोगे, देखते हैं आपकी भी क्या नॉलेज है वेबसाइट्स को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट वेबसाइट। तो जब हम बोलते हैं वेबसाइट, सो आप क्या समझते हो उस कंसेप्ट से? सो व्हाट इज अ वेबसाइट? हाँ जी, व्हिच कैरीज सम इंफॉर्मेशन। Okay, which carries some information, or हाँ जी, यार यूज करते तो हो गया वेबसाइट, कभी ना कभी तो की होगी वेबसाइट, अंधे वाले को बात हो, तो आए नहीं तुम लोग। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वेबसाइट है क्या, फिर हम लोग टेक्निकल मार्केटिंग टर्म्स के अंदर आएंगे, ठीक है। पहले तो जो आपने कहा वेबसाइट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है जी, राइट। सो आपके पास कुछ पेजेस हैं, आपने उन्हें इकट्ठा कर दिया और आपने उसको क्या बोल दिया है, वेबसाइट। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट इज जस्ट अ वर्चुअल टर्म। एक्चुअली मैं क्या बनाऊंगा, पेजेस बनाऊंगा। जैसे एक पेज मैंने बनाया कि मेरे क्या क्या कोर्सेज हैं, एक पेज पे हमने कोर्सेज का सिलेबस लिख दिया, एक पेज पे मैंने अपने को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ गया, एक पेज मैंने बना दिया कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। तो ये चार पेज इकट्ठे किए और हमने इसको एक क्या नाम दे दिया, हमने क्या बना दिया, वेबसाइट बना दी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डिजाइनिंग आर पेजेस, और जब वो पेजेस की कलेक्शन होती है तो उसको अगर एक नाम देना है तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वेबसाइट दे देते हैं, ठीक है, राइट। सो एक तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, अपने ध्यान से देखना कि आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज अ स्टैटिक साइट एंड सेकंड इज अ डायनेमिक साइट, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्टैटिक साइट, तो स्टैटिक साइट्स का मतलब होता है कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पे वही दिखेगा जो आपने हार्ड कोड कर दी है वेबसाइट में। सो अगर मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल दी है तो वही सबको दिखेगी। सो अगर लेट्स सपोज इस रूम में 20 लोग बैठे हैं, अगर वो मेरी वेबसाइट में आएंगे तो 20 को सेम कंटेंट दिखेगा, दैट इज बेसिकली व्हाट स्टैटिक, ठीक है। जो मैंने फिक्स कर दिया वो क्या है, स्टैटिक, और वही आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक मतलब जहां पे आपका यूजर जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्या करेगा, और उससे कोई प्रोसेसिंग करवाएगा, और उसका रिजल्ट हर यूजर के लिए अलग होगा, ठीक है। आप फेसबुक पे जाते हो तो जो आप फेसबुक से कराना चाहते हो आप वो करवाते हो, कोई सेकेंड पर्सन जाता है तो वो जो फेसबुक से एक्शन कराना चाहता है वो परफॉर्म करवाता है, ठीक है, राइट। सो दैट इज अ डायनेमिक एप्लीकेशन। डायनेमिक अलाउज यू टू परफॉर्म योर ओन टास्क, ठीक है, एंड दैट लेट्स यू इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। सो जहां पे इंटरेक्शन आ गई, ठीक है, यो वेबसाइट हमें अलाउ कर रही है कि इट इज अ टू वे, क्या है, टू वे, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है, राइट। कि हां भी तुम मुझे कुछ बोलो मैं उस बेस पे काम करूंगी, ठीक है, जो तुम मुझे इनपुट दोगे मैं उसे प्रोसेस करके वैसे तुम्हें क्या दे दूंगी, आउटपुट दे दूंगी, वो हमारी क्या हो जाती है, डायनेमिक, ठीक है। तो उसे हम वेबसाइट नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। अच्छा मैं यहां पे एक और टर्म आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वेबसाइट टर्म है ना, ये बेसिकली एक मार्केटिंग टर्म है, ठीक है। जब मैं कहता हूं मार्केटिंग, इसका क्या मतलब है, जब आप किसी किसी भी, ये वो टर्म है जो कि हम सबको पता है कि जब भी हम कुछ ब्राउजर में टाइप करेंगे तो क्या खुलेगा, वेबसाइट। बट एक्चुअली में अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएं, एक आम आदमी को यही वर्ड पता है, ठीक है, बट अगर हम टेक्निकली जाएं तो टेक्निकली हमारे पास जब हम कोई वेबसाइट ब्राउजर पे ऑन करते हैं, कुछ भी ब्राउजर पे ऑन करते हैं, तो वो चार कैटेगरीज के अंदर हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, ब्लॉग एंड वेब फॉरम, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी आप ब्राउजर में टाइप करोगे और कुछ खुलेगा, वो या टेक्निकली या वेबसाइट होगी
या वो वेब एप्लीकेशन होगी, या वो ब्लॉग होगा, या वो क्या होगा, फॉरम होगा, वेब फॉरम। ये इन चारों को एक आम आदमी क्या बोलता है, वेबसाइट। तो जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तो 99% क्लाइंट मुझे आके ये बोलेगा मुझे क्या बनानी है, वेबसाइट। मैं उसकी रिक्वायरमेंट सुनूंगा, फिर मैं डिसाइड करता हूं कि अच्छा मुझे तो पता है कि इसके अच्छा ये वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है या ब्लॉग है या फॉरम। अरे बात समझ में। व्हेन वी टॉक अबाउट वेबसाइट इन टेक्निकल टर्म, नॉट इन मार्केटिंग टर्म, व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेबसाइट इन अ टेक्निकल टर्म, इट इज ऑलवेज अ स्टैटिक वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब स्टैटिक है। तो जब आपको कोई स्टैटिक साइट बनानी है तो हम टेक्निकल में उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट। अरे बात समझ, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि मुझे फॉर एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाना है कुछ, जहां मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखानी है कि भाई ये मेरी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमने क्या बनानी है, वेबसाइट बनानी है। अरे बात समझ में, ठीक है। डॉक्टर मेरे पास आया, मुझे कहता है कि बॉस मुझे अपने टाइमिंग्स दिखाने हैं, मुझे दिखाने मैंने क्या क्या केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है जी राइट, और मेरी लोकेशन दिखा दो। तो टेक्निकली वो क्या बनवाना चाहता है, वेबसाइट बनवाना। अगली बात समझ में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस केस में अगर हम कहें कि हमने, अगर क्लाइंट आए और वो कहे कि मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई टास्क भी करवाने हैं, जैसे इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं, ठीक है जी, तो हमने फीचर देना है कि बच्चा ऑनलाइन कोर्स रजिस्टर कर सकता है, ठीक है जी, ऑनलाइन ही वो फीस पे कर सकता है, ठीक है जी राइट। जो कोर्स वो ज्वाइन करेगा उसे उसी की वीडियोस दिखेंगी, उसी के नोट्स दिखेंगे, ठीक है राइट। सो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं, कुछ टास्क करने के लिए दे रहे हैं जो कि डायनेमिक है। जो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जिसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए, जिसके लिए क्लाइंट बेस पे इनपुट होगी और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसका क्या काम करना पड़ेगा, काम। सो वेब एप्लीकेशन इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, बट जब वो सॉफ्टवेयर ब्राउजर में चलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अभी अमेज़न है तो अमेज़न वेब एप्लीकेशन है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। कैसे सॉफ्टवेयर है, आप कोई प्रोडक्ट जाके पहले सर्च करते हो तो पहले वो डेटाबेस में जाके वो सर्च करता है, वही दिखाता है उसे बेस्ट लगता है, फिर आप उसको फिल्टर लगा देते हो कि यार नहीं मुझे ये सिर्फ 4 स्टार वाले चाहिए, तो फिर वो कोडिंग लगा के उसके 4 स्टार वाले दिखाता है। आप कहते हो नहीं मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाओ, तो फिर वो कोडिंग लगा के सिर्फ उसी ब्रांड के प्रोडक्ट के लेके आता है। फिर आप कहते हो नहीं यार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जीपे है, मुझे तो जीपे से पे करना है, तो फिर वो जीपे वाला कोड चलाता है। आगे बात समझ में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी इनपुट है उसको वो प्रोसेस कर रहा है, देन वो आउटपुट दे रहा है, यानी कि कोडिंग चल रही है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेब एप्लीकेशन। कमिंग बैक टू डॉक्टर वेबसाइट, ठीक है जी राइट। अब वो डॉक्टर कहता है यार पेशेंट ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, वो चेक कर पाए कि मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, अगर अवेलेबल है तो वो स्लॉट बुक कर पाए, वो स्लॉट कैंसिल कर पाए, वो अपनी पेमेंट ऑनलाइन ही कर दें। तो अब हम उसकी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम उसका क्या बनाएंगे, समझ में आ गई बात। तो जहां पे भी कोई टास्क आ गया, क्या आ गया, कोई टास्क ऑन ए यूजर इनपुट, यूजर और वेबसाइट दोनों क्या हो गई, अब कंबाइंड हो गई। पहले वेबसाइट में क्या था कि सिर्फ वेबसाइट ही लोग सिर्फ पढ़ सकते थे, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब जहां पे इंटरेक्शन आ गई, क्या आ गई, वो क्या बन गई, समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। अब हम थर्ड टर्म में चलते हैं, क्या है हमारा, ब्लॉग। सो ब्लॉग इज अ वेबसाइट, अगेन वेब एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेबसाइट, वेबसाइट इज ऑल्सो वेबसाइट, क्योंकि हमने कहा कि मार्केटिंग वर्ड क्या है, वेबसाइट, ठीक है जी राइट। टेक्निकल टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्लॉग, ठीक है, सो बड़े ध्यान से आप मेरा कंसेप्ट समझना। जो वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना, तो हम स्टैटिक पेजेस बना देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोर्स अपने वापस इंस्टीट्यूट पे आ जाओ, मेरे इंस्टीट्यूट की, हमने कहा हमने वेबसाइट बनानी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखानी है। अब लेट्स सपोज आप आए, आपने वेबसाइट खोली नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी वहां से, आपने एड्रेस नोट किया, फोन नंबर नोट किया, आपने वेबसाइट क्या कर दी, बंद कर दी। क्या आप कभी दोबारा आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, आ सकते हैं या आओगे, क्या करने आओगे, जो था फिक्स था, 4-5 चीजें थी, तुमने पढ़ी, तुमने बंद कर दी, तुम दोबारा क्यों आओगे, तुम दोबारा शायद तभी आओगे अगर तुमसे मोबाइल नंबर गुम गया, अदरवाइज तुम मेरी वेबसाइट पे क्या करने आओगे, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाई थी, इन्फॉर्मेशन तो मिला थी, अब तुम्हारा मेरी वेबसाइट पे आने पर क्या मकसद है, ठीक है। सो याद रखना, वेबसाइट डज नॉट हैव रिकरिंग कस्टमर, रिकरिंग विजिटर,
ठीक है जी, राइट। सो एक बार क्लाइंट आपके पास आया, उसे जो चाहिए था उसने देखा, उसने बंद किया, चला, ठीक है जी, राइट। सो वो कस्टमर वापस आपके पास नहीं आने वाला दोबारा, जब तक कि एक्सट्रीम केसेस पे या एक्सेप्शन केसेस नहीं है, ठीक है, या जब तक आपकी वेबसाइट एक्चुअली में बहुत बड़ी नहीं है कि वो एक टाइम पे सब कुछ नहीं पढ़ सकता, ठीक है, राइट। सो हम ऐसा क्या करें कि हमारा विजिटर जो है वो हमारी वेबसाइट पे बार बार आए, तो तब हम लोग वेबसाइट की तब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आप क्या लिखते हो? आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है जी, राइट। और उसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? ब्लॉग बोलो, ठीक है जी, राइट। सो जब अभी देने लगा कंसेप्ट खत्म करने, तो एग्जाम्पल के बिना नहीं जॉब भेजूंगा तुम्हें, ठीक है, राइट। तो जब हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है जी, वेबसाइट और ब्लॉग के बीच में, तो ब्लॉग हम तब बनाना चाहते हैं जब हमें कंटिन्यूसली कस्टमर के क्या रहना है, लिंक पे हम चाहते हैं कि यूजर बार बार आए। जैसे आई स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल, हाउ टू क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर इन पाइथन, what is the difference between Python and Java, how to create animation in PowerPoint, ये मेरे डोमेन में हो गया। और मुझे पता है कि मेरा यूजर हर बार आएगा, लिखेगा इस बार क्या आर्टिकल आया, तो बार बार वो मेरे ब्लॉग के ऊपर क्या करेगा, वो विजिट करेगा, ठीक है। सो उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ब्लॉग, जहाँ पे कहानी पेजेस की नहीं, जहाँ पे कहानी किसकी है? आर्टिकल्स की। किसकी है? आर्टिकल्स की, आप कंटिन्यूसली क्या पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू इट्स प्रैक्टिकल, या एक मैं तुम्हें दिखाऊं, लेट मी सी इफ मेरा पुराने वाला ब्लॉग चल रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, सो देयर इज एन आर्टिकल 10 टिप्स टू सिक्योर योर जूम मीटिंग, देन देयर इज एन आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी टिप्स फॉर 2020, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहे हैं? बेसिकली आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉग है। ये क्या है? ब्लॉग है। अरे बात समझ में। सो फॉर एग्जांपल एक शेफ आया मेरे पास, शेफ कहता है सर मुझे ना अपनी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है जी, वो कहता है ये मेरी सारी रेसिपीज है अपलोड कर, ठीक है जी। तो मैंने उसको एडवाइस दूंगा, मैंने कहा बॉस आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाओ, क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो कस्टमर आएगा, सारी रेसिपीज डाउनलोड करके चला जाएगा, फिर तुम्हें तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास अगर वो दोबारा नहीं आएगा तो तुम्हें दो नुकसान है, अगर तो तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है जी, तो तुम्हारे लिंक में नहीं रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि नया प्रोडक्ट कब आएगा, ठीक है जी। और अगर आप एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो? मतलब लोग आते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो उससे आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है, जितने ज्यादा लोग आते हैं तो भी एक बार में आपके नहीं जाएगा दोबारा, तो तुम्हारे यूजर नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी तुम्हारी वेबसाइट पे अपनी क्या नहीं लगाएगी? एडवर्टीजमेंट नहीं लगाएगी। देयर आर टू मॉडल्स टू वन, ठीक है, एक अच्छा कंटेंट डालो ताकि जितने ज्यादा लोग रोज आएंगे तुम्हारे पास, फिर गूगल तुम्हें क्या करता है? एडवर्टीजमेंट दे देता है। याद रखना गूगल की वेबसाइट है एडसेंस, कौन सी वेबसाइट है? एडसेंस। सो लेट्स सपोज आप कुछ अच्छा लिख रहे हो, ठीक है जी, और बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर गूगल एडसेंस इनेबल कर देता है, तो गूगल अपनी एडवर्टीजमेंट आपके ऊपर लगाना शुरू कर देता है, तो जब भी कोई आता है उस ऐड को क्लिक करता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, कुछ गूगल लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब ही छोड़ दी है, उनसे ब्लॉग ही बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज सम अनदर टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस, बट आई किसी दिन फ्री में मैं तुम्हें बताऊंगा। सो वी हैव पीपल हु आर अर्निंग 1.5 लाख टू 2 लाख पर मंथ ओनली फ्रॉम राइटिंग देयर ब्लॉग्स, नथिंग एल्स। आई शो यू देयर प्रोफाइल टू यू, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो ब्लॉग पता लग गया क्या है? सो ब्लॉग इज के मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जहां पे मैं कंटिन्यूसली अपने आर्टिकल क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। जैसे हमने शेफ की एग्जांपल ली, तो हम शेफ को क्या बोलेंगे? आप लेट्स सपोज हर फ्राइडे एक वेबसाइट अपलोड, रेसिपी अपलोड करो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को एक क्या करो? रेसिपी अपलोड करो, ठीक है। सो अगली वीक फिर एक रेसिपी अपलोड करो, तो यूजर क्या होगा? बार बार आएगा कि इस बार नया क्या आ रहा है। आई गेटिंग अ पॉइंट? सो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्लॉग बोल रहे हैं, ठीक है जी, राइट। सो ब्लॉग से हमें क्या मिल जाता है? रिकरिंग विजिटर। सो कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल? कंपनी अगर जो स्टैटिक है तो वेबसाइट भी बना रही है, प्लस उसी वेबसाइट के अंदर क्या बना रही है? ब्लॉग का फीचर भी ले रही है, ताकि यूजर भी आए और हमारा डेटा भी स्टैटिक चलता रहे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक ब्लॉग समझने में? सो ब्लॉग से आगे चलते हैं। ब्लॉग से आगे क्या है? ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक पर्सन का है या ग्रुप ऑफ पर्सन का है। आप तीन दोस्तों ने मिलकर एक क्या बना लिया? ब्लॉग बना लिया। बट अकाउंट एक है आपका या दो अकाउंट है, तो हो गया कि आप लोग ही अपने आर्टिकल क्या कर सकते हो? पोस्ट कर सकते हो,
ठीक है, लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर, ये फीचर होगा ब्लॉग में, ठीक है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेब फॉरम हमारे पास वो वेबसाइट है जहां पे कोई भी आके रजिस्टर करके अपना आर्टिकल डाल सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब फॉरम। क्या बोलते हैं? वेब फॉरम। कंपनीज वेब फॉरम इसलिए बनाती है ताकि वो कम्युनिटीज बना सके। क्या बना सके? कम्युनिटी। जितनी बड़ी कम्युनिटी आज की डेट में, ठीक है, उतना ही, जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि तो अगली बार प्रोडक्ट अपना प्रमोट करना इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो फॉरम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो उसको मार्केटिंग को छोड़ दो, लेट्स मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, अब आप घर चले गए, मैं किसी और लेक्चर में चला गया, अब आपको काम करते कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं उसका रिप्लाई शायद आपको दूं या कल दूं जब मैं फ्री होऊंगा। लेकिन अगर यही हमने कोई वेब फॉरम बना लिया जहां पे आप जैसे और भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको और भी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है जी, राइट। तो अगर आपने अपनी प्रॉब्लम पोस्ट की तो हो सकता है वो आपको उसका आंसर दे दे। दैट इज बेसिकली व्हाट अ वेब फॉरम। तो हर फील्ड में वेब फॉरम है, मेडिकल वेब फॉरम जहां पे डॉक्टर्स अपने आर्टिकल शेयर करते हैं, आईटी, मुझे आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट सुनी होगी। आपको कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, आप टाइप करते हो, सबसे टॉप पे क्या आती है, दैट इज अ वेब फॉरम। क्योरा हो गया, वेब फॉरम है, क्यों, क्योंकि कोई भी अपना आर्टिकल क्या कर सकता है, टॉपिक क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। अब आप उस टॉपिक को आर्टिकल बोलो, अपना एरर बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है, रजिस्टर होके, और कोई दूसरा उसका क्या दे सकता है, रिप्लाई दे सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब फॉरम। सो वेब फॉरम कंपनीज कब बनाती है, जब उन्हें अपनी क्या बनानी है, कम्युनिटी। जैसे कंपनीज बहुत बड़ी होगी, अब उनको लगता है यार मैनेज करना मुश्किल हो गया, या कस्टमर बहुत सारी है यार, अगर मैं जाऊंगा 10,000 से ज्यादा क्लास में नहीं बोल पाएंगे सारी, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि वेब फॉरम एक ऐसी प्लेस आ गई जहां पे आप कम्युनिटी बना सकते हो, जो कम्युनिटी मतलब जो सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, राइट। सो वहां वो एक कंपनी प्रेफर करती है आज की डेट में, जब उन्हें लगता है कि मैं बहुत स्केल में चली गई हूँ, अब मेरे से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एयर टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोग कॉल सेंटर में 10-10 मिनट कॉल करते हैं, कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो एरर हो सकता है किसी और को भी आया हो, तो वो एयरटेल के वेब फॉरम में टाइप करके कोई और कस्टमर उसका सोल्यूशन दे सकता है, या कंपनी का एम्प्लॉय उसका सोल्यूशन दे सकता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सो इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखना, आईटी इज ऑल अबाउट। तो कस्टमर आया, उसके दिमाग में एक ही वर्ड है, वेबसाइट, मुझे क्या बनानी है। आपने उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी कि आप क्या बनाना, क्यों बनाना चाहते हो, फिर आपने समझा, फिर आपने डिसाइड किया कि इसके लिए वेबसाइट अच्छी रहेगी, इसके लिए वेब एप्लीकेशन अच्छी रहेगी, इसके लिए ब्लॉग अच्छा रहेगा, इसके लिए वेब फॉरम अच्छा रहेगा, या इनमें से कई चीजों का कंबाइन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी वर्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। सो वेबसाइट अ सॉर्ट ऑफ टेक्निकल स्टैटिक, एंड वेब एप्लीकेशन हमारे पास क्या आ गई, डायनामिक आ गई, ठीक है जी, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अभी आपने वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि आपकी वेबसाइट बनी हुई, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, अब मैं चाहता हूं लोग उसे आके देखें, ठीक है जी, राइट। तो वो कैसे अपने घर पे देख पाएंगे मेरी वेबसाइट? डोमेन लेनी पड़ेगी, ग्रेट। डोमेन आप कह रहे हो नेम लेना पड़ेगा, नहीं सर, वो होता है कि ऑनलाइन सर्विस पे वो प्लेस क्या तो लेते हैं, एक्सेस, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, सोर्स कोड। तो बेटा जो तुमने वेबसाइट बनाई है उसे बोलेंगे ना, जो उसका कोड है, सोर्स कोड इज जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको बनाने के लिए जो कोड है उसे सोर्स कोड बोलते हैं। उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। आपको क्या करनी पड़ेगी, वेब होस्टिंग, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है जी। सो व्हाट इज वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग इज अ कंप्यूटर जो आपकी वेबसाइट चलाएगा। अब मैं कहता हूं कि मैं अपने कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट नहीं चला सकता, चला सकता हूं तो मैं अपने लैपटॉप को क्या बना दूंगा, वेब होस्टिंग करूंगा। उसके लिए मुझे इसे सर्वर बनाना पड़ेगा, क्या बनाने पड़ेगा, वेब सर्वर। अब मैं सर्वर पे बाद में आता हूं, पर पहले होस्टिंग का कंसेप्ट समझो, ठीक है, राइट। सो जिस कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट होगी, यानी कि अगर आप अपने घर पे बैठे www टाइप या कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो वो मेरे कंप्यूटर पे आके, क्योंकि है तो मेरे कंप्यूटर को मैं क्या बोलूंगा, मेरे कंप्यूटर ने क्या की है, वेबसाइट होस्ट की है। क्या की है? वेबसाइट होस्ट की है, ठीक है। वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना पड़ता है, या किसी भी कंप्यूटर में अगर होस्टिंग करनी है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, याद रखना, वेब सर्वर। सो व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर्विस। क्या बोलेंगे? सर्विस।
What is the difference between software and service? Service provides repair and maintenance. What is the difference between software and a service? तो हमें नर्सरी क्लास से शुरू करना पड़ेगा। आप सब लोगों को पहले कंप्यूटर बेसिक का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सब लोगों को कंप्यूटर बेसिक का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज इस लेवल पे आके अगर हम इस चीजों पे टाइम स्पेंड करेंगे ठीक है दैट मीन आपके बेसिक्स कहीं ना कहीं बहुत वीक है। सॉफ्टवेयर हैज एन इंटरफेस, सर्विस रन्स इन बैकग्राउंड। सर्विस आप देख नहीं सकते, सर्विस बैकग्राउंड पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल सबकी जेब में है ठीक है। अब आपको कोई कॉल आएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप क्लास खत्म करके जाओगे मोबाइल ऑन करोगे आप कॉल बटन पे क्लिक करोगे तब कॉल आनी शुरू होंगी। अभी आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर की सर्विस चल रही है जो कंटिन्यूसली लिस्टिंग मोड में है। वो है कोडिंग ही, वो कंटिन्यूसली लिस्टिंग मोड में, कब कोई कॉल आए, कब कोई व्हाट्सएप का मैसेज आए, व्हाट्सएप की व्हाट्सएप सर्विस है, फेसबुक ने अपनी फेसबुक सर्विस बनाई है। इट इज नॉट ऑलवेज सॉफ्टवेयर जो आप देखते हो, वो सिर्फ एक पूरे के पूरे सिस्टम का एक पार्ट है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है दैट इज अ सर्विस, याद रखना। वो आप देख नहीं सकते, उसका इंटरफेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने देखो, ये देखो क्या लिखा रहा है, रनिंग। ये सारी सर्विसेज मेरे कंप्यूटर में चल रही है। आप भी देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में, मैंने नीचे चार सॉफ्टवेयर खोले हैं लेकिन देखो ये सारी सर्विसेज मेरे कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए ठीक है जी। कुछ सर्विस चल रही है पीछे बैकग्राउंड में जो चेक कर रही है कि वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं, सॉरी, कुछ सर्विस चल रही है जो चेक कर रही है कि चार्जिंग कंप्लीट है कि नहीं, चार्जिंग कितनी रह गई। अरे बात समझ में, एक सर्विस चल रही है जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ कनेक्टेड है, चिप के साथ वो टाइम दिखा रही है, दिखाने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है लेकिन पीछे कैलकुलेशन के लिए वो सर्विस चल रही है। अरे बात समझ में ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये चीज याद रखना कि सर्विस क्या है, जो हमारी कहां पे चलती है, बैकग्राउंड में चल रही है, उसका अपना एक काम है। सो हर सिस्टम को, अब सॉफ्टवेयर छोड़ दो, सिस्टम का एक पार्ट है सॉफ्टवेयर जो यूजर के साथ काम कर रहा है, उसे आप सॉफ्टवेयर ही बोलते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर इज नॉट अलोन जो पूरा सिस्टम बनाता है, तो सॉफ्टवेयर भी होता है, बैकग्राउंड पे क्या चल रही होती है, सर्विस। आप कहो कि मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया व्हाट्सएप का, तो उसके अंदर पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड पे क्या चलानी पड़ेगी, उसको चलाने के लिए सर्विस चलानी पड़ेगी। अरे ये बात समझो, जो बैकग्राउंड पे काम कर रही है अपना, जिनका कोई इंटरफेस ठीक है। सो चलो वापिस आते हैं अपने उस टर्म पे, हम कौन सा टर्म बोल रहे थे, सर्वर, वेब सर्वर ठीक है राइट। सो व्हेन वी से, चलो वेब सर्वर में से वेब वर्ड भी हटा देते हैं, सो एक वर्ड की बात करते हैं, सर्वर। सर्वर वो है जिसके पास सर्विस है। किसी को अगर कुछ भी चाहिए तो वो क्या दे सकता है, सर्विस दे सकता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स मूव हियर। सो मैं कहता हूं कि मुझे ये मेरा कंप्यूटर है ठीक है, मेरे कंप्यूटर में कोई कुछ भी अवेलेबल है डेटा, और मैं चाहता हूं कोई भी अपने कंप्यूटर से उसे डाउनलोड कर सके, क्या कर सके, तो मैं अपने कंप्यूटर में एक ऐसा सर्विस इंस्टॉल करूंगा ठीक है जी, जो मेरे कंप्यूटर को एफटीपी सर्वर बना देगी। क्या बना देगी, FTP। अरे बात समझ, मैं लेट्स सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है और मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे नेटवर्किंग में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को कोई ना कोई मैसेज भेज सके, जैसे आप ईमेल बोलते हो, क्या बोल रहे हो, तो मैं अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा सर्विस इंस्टॉल करूंगा जो मेरे कंप्यूटर को ईमेल सर्वर बनाएगी। समझ में आई बात, मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ पेजेस हैं स्टैटिक और डायनेमिक, कुछ भी पेजेस लोग अपने घर पे www टाइप करें उनके ऊपर खुल जाए, तो मैं अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, सर्वर को एक जनरलाइज वर्ड है, लेकिन क्या सर्विस देनी है उसके हिसाब से सर्वर बनेगा। आपने ईमेल क्लाइंट्स को भेजने हैं तो ईमेल सर्वर बनाओगे, आप डाउनलोडिंग फीचर देना चाहते हो एफटीपी सर्वर बनाओगे, आप एसएमएस देना चाहते हो एसएमएस सर्वर बनाओगे। अरी बात समझ में, आपको डेटा स्टोर करना है तो डेटाबेस सर्वर बनेगा, आपने सुना होगा ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, ये डेटाबेस सर्वर। अरी बात समझ में, तो जो सर्विस हमने क्लाइंट को देनी है
ठीक है जी, उसका हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो उसे सर्वर बनाएगा। सर्वर का क्या काम है, सर्वर कम्युनिकेट करेगा। सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेगा, बड़े ध्यान से देखना। सो लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है, लेट्स सपोज सो ये मेरा कंप्यूटर है और मेरे पास यहां पे डी ड्राइव में एक फोल्डर है जो वेबसाइट है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि लोग उसे अपनी वेबसाइट पे क्या कर सके, देख सके, ठीक है। सो कोई भी कंप्यूटर अपने घर से बैठ के वेब ब्राउजर ऑन करे, ठीक है जी, राइट, एंड वो उसके साथ क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, ठीक है जी, राइट। सो मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे एक सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जिसे मैं कहूंगा कि ये मेरे कंप्यूटर को क्या बनाएगा, वेब सर्वर। अब सर्वर वर्ड सुनने से पहले सोचा करो कि क्या सर्वर है। मैं क्या बनाना चाहता हूं, वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब जो वेबसाइट दिखाएगा लोगों को, क्लियर है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि आप जब भी रिक्वेस्ट करते हो, लेट्स सपोज ये बंदा एक पेज रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट कोई भी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट वाला पेज रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कभी भी वेबसाइट के पास नहीं जाता, ये किसके पास जाता है। आप एक बात समझो कि अगर 1000 लोग एक टाइम पे आपकी वेबसाइट देख रहे हैं तो 1000 लोगों को अलग चीजें चाहिए, तो ये सर्वर का काम है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो एक्सेप्ट करना, समझना किसको क्या क्या चाहिए। तो अगर 1000 लोग मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो एक ने मांगा मैं उसको दूसरे को दे दूंगा, जो जो मांग रहा है मुझे उसी को वापस करना है रिटर्न। तो ये सारा मैनेज करने के लिए हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वेब सर्वर। समझ में आ गई बात। तो जब तक सर्वर नहीं बनेगा वेबसाइट के साथ आप कम्युनिकेट, समझ में आएगी बात। जिस कंप्यूटर में आपका सर्वर है और जिस कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट है उसे उसे जो आप मैनेज कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात। सो बहुत सारे लोगों को लगता ना सर्वर हार्डवेयर होता है, सर्वर हार्डवेयर नहीं होता, सर्वर सॉफ्टवेयर भी नहीं होता। सॉफ्टवेयर वाला बंदा बोलेगा सर्वर क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वाला बंदा बोलेगा सर्वर क्या है, सॉफ्टवेयर एक सर्विस। सॉफ्टवेयर क्या है, सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कह सकते हो, ठीक है जी। अब हार्डवेयर हमें क्यों कहते हैं, हम क्यों कहते हैं सर्वर को देख के हमारे दिमाग में हार्डवेयर क्यों आता है, वो इसलिए आता है, उसका जॉब में इस तरह से होगा, बड़े ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने कंप्यूटर को वेब होस्टिंग बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। दो रीजन, मेरे पास इतना रिलायबल ना तो हार्डवेयर है ना ही इतना ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझना, इन दोनों को अगर कोई आपको एक वर्ड में बोले तो बोलेगा मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है, तो जब कोई वर्ड बोले प्लेटफॉर्म तो उससे समझो कि आप प्लेटफॉर्म किस टर्म में बोल रहे हो। कई बार वो प्लेटफॉर्म बोल रहा होगा इन टर्म ऑफ हार्डवेयर, कई बार वो प्लेटफॉर्म बोल रहा होगा इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग, और कई बार दोनों को कंबाइन करके वो क्या बोल रहा होगा, प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, राइट। सो हमारे पास दोनों ही नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बताता हूं, ठीक है। मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें हो सकता है 500 GB हार्ड डिस्क या 1 TB हार्ड डिस्क, ठीक है, और मेरे पास 4 या 8 GB की क्या होगी, रैम। ये रैम और ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक है जी, राइट, ये किसका काम कर रही है, मेरा काम कर रही है। और मैंने इस पे वेबसाइट बना दी, वेबसाइट चल पड़ी, एक टाइम पे 10,000 लोग आ रहे हैं, तो ना तो मेरे हार्ड डिस्क पे इतना डेटा फिट हो पाएगा और ना ही मेरे पास इतनी रैम है मेमोरी देने के लिए। आ रही बात समझ में, तो कैसे करेंगे। अब फेसबुक पे अगर हम लोग बात कर रहे थे कितने लोग एक दिन में अपनी फोटो पोस्ट कर रहे होंगे, सो लेट्स सपोज मेरी फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप लोग तो 10 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है बस अपनी सेल्फी और अपलोड कर देनी है, बट वो डेटा किसको रखना है, मुझे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में आएगा ना, तो मुझे उतनी क्या खरीदनी पड़ेगी, हार्ड डिस्क, मुझे उतनी क्या खरीदनी पड़ेगी, रैम, मुझे मेरे कंप्यूटर में उतने क्या स्ट्रांग होने चाहिए प्रोसेसर, तो मेरे लिए वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने कंप्यूटर को होस्टिंग नहीं बना पाऊंगा। और ये बात समझ, पहला ये हार्डवेयर टर्म है आंसर, ठीक है। दूसरा आंसर, ठीक है, सेकेंडली, चलो दूसरा आंसर हम लेके चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, 8 या जो भी आपने 10 इंस्टॉल किया है, दे आर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विद लिमिटेड नेटवर्किंग सपोर्ट, विद लिमिटेड नेटवर्किंग सपोर्ट, मतलब अगर मैं इधर नेटवर्किंग की हुई है सबने, अगर मैं वायर लगा दूं या बिना वायर के भी वाईफाई के थ्रू भी हम ये 40-50 कंप्यूटर में डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 हो गए, 1000, 5-200 हो गए, ठीक है, जैसे 500-1000 हो जाएंगे ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा, मेरा ओएस क्या हो जाएगा,
आ रही बात समझ में, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम के लिए क्लियर होगी बात, तो मुझे उसके लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं चाहता हूँ कोई भी मेरी वेबसाइट पे आए, जितने मर्जी यूजर आ जाए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों ने सुना होगा लिनक्स, आप लोगों ने सुना होगा यूनिक्स, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर सीरीज, जैसे विंडोज आती है ना 7, 8, 10, वैसे क्या आती है विंडोज सर्वर आता है, विंडोज सर्वर 2010, 11, 12 चल रहे हैं, 22, ठीक है सर। तो ये आपके सर्वर पे इंस्टॉल होने चाहिए। सो अगर आप अमेजन विजिट कर रहे हो तो अमेजन में विंडोज 80 डली हुई अमेजन के कंप्यूटर में, चाहे उसे क्रैश हो जाएगा जितने यूजर उसके पास आते हैं, तो उनके पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सालों साल चल सके और बिना बंद हुए चल सके। अब आप अपना कंप्यूटर 2 दिन ना बंद करो, आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। अपना कंप्यूटर 2 दिन बंद मत करो, आपको क्या करना पड़ जाएगा, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट ऑनलाइन नहीं हो सकते यार, आपकी 24 घंटे वेबसाइट चलनी है। आपको कि मैं सो रहा हूं मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूं, अब आपकी वेबसाइट ग्लोबल है, कोई अमेरिका में बैठे उस वक्त दिन है वेबसाइट देख रहा है, तो आपका तो लैपटॉप आप बंद कर गए कि आप सो रहे थे, तो वेबसाइट कहां पे जाएगी उसके पास, समझ में आ रही है बात। तो हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो 24 घंटे चल सके बिना बंद हुए, तो हमें हार्डवेयर भी वैसा चाहिए और हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसा चाहिए। आ रही है बात समझ में, क्लियर होगी बात। तो इसलिए फिर हम उन कंपनीज के पास जाते हैं जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो उन्हें आप बोलते हो वेब होस्टिंग कंपनीज। क्या बोलते हो, वेब होस्टिंग। हम अपनी वेबसाइट बनाने के बाद उन्हें दे देंगे कि भाई तुम चला, उसके बदले हम उन्हें ईयरली पे ईयरली 5 साल 2 साल पैकेज देते हैं, उन्हें बॉस ये लो ये हमारी पेमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट चलाओगे। आ रही बात समझ में। So, अगर हमारी वेबसाइट बन गई तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें क्या परचेज करनी है, वेबसाइट होस्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट देख सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट देते हो ना godaddy.com, godaddy पे वेबसाइट बनाए, ये वेब होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। सो बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको कुछ फेमस बता देता हूँ, जैसे आपकी godaddy है, ब्लू होस्ट है, ठीक है जी, राइट, होस्टिंगर है, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप होस्टिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये, लेट मी सी आई एम लॉग इन और नॉट, मुझे पासवर्ड भी लॉग इन है, ठीक है। सो इफ आई गो टू माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहां पे जाएं, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, लेकिन अगर हम लोग यहां पे जाएं तो देख रहे हो कुछ वेबसाइट्स, ठीक है, ये होस्ट की होगी, यानी मैंने बना के इनको दे दी, चल यहां से ले, समझ में आ गई बात। सो दिस इज अ होस्टिंग प्लान, कितना प्लान खरीदना है डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है। अगर एक कस्टमर है या आपके पास एक टाइम पे, तो हर कस्टमर के लिए एक प्लान खरीदोगे। अगर हमारी जैसी कंपनी है तो डिपेंडिंग ऑन हमारे कस्टमर, हम 10 वेबसाइट वाला प्लान खरीद लेते हैं, 100 वाला खरीद लेते हैं, अनलिमिटेड खरीद लेते हैं, वो हमें सस्ता पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन के आप प्लान परचेस करना, वो मार्केटिंग आगे, क्लियर होगी बात, ठीक है जी, राइट। सो ये वेब होस्टिंग इस तरह से आपकी होती है, क्लियर है। सो वेब होस्टिंग क्या है, प्लान परचेज करते हैं इन रिटर्न ऑफ की हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस बेस पे हम अपनी वेबसाइट उनको दे देते हैं और वो हमारी वेबसाइट क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। सो अब पहला स्टेप क्या खरीदना है, वेब होस्टिंग, हमने वेब होस्टिंग खरीद। अब सेकेंड स्टेप, लोग कैसे तुम्हारी वेबसाइट देखेंगे, लोग क्या ओपन करेंगे, ब्राउजर, ओपन करेंगे ब्राउजर में क्या टाइप करेंगे, आपकी वेबसाइट का नेम। तो अब आपको दूसरी चीज खरीदनी है, डोमेन नेम, क्या खरीदना है, ठीक है जी, जो यूनिक है, जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको वो नाम और परचेज करना है कि भाई मेरा ये नाम है, ये मेरी होस्टिंग है, और आप फिर हम उन्हें कंबाइन कर देंगे ताकि जब भी आप उस नेम को टाइप करोगे वो आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, ठीक है, राइट। सो हमें नेम परचेज करना है और हमें क्या परचेज करना होता है, होस्टिंग प्लान परचेज करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो तो इन्हीं वेबसाइट से जो आपको होस्टिंग देती है, यही वेबसाइट आपको क्या दे देती है, नेम भी दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैं बना चुका हूँ, होस्टिंग भी ले चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नाम खरीदना है। सो कोई भी एक नाम देखते हैं, लेट्स सपोज मैं कोई ऐसा नाम देखता हूँ, गूगल डिफॉल्ट, लेट्स सपोज, जैसे सर्च करेंगे हम, ठीक है, सो ये नाम आ जाएगा, योर डोमेन इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, और क्या प्राइसिंग है उसकी, चल, ठीक है।
ठीक है, तो आप देखते हो कि कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है, कौन सा ब्रांड नेम है, तो वो प्लान आप खरीद लेते हो। ठीक है, ये भी ईयरली खरीदते हो, 2 साल का खरीदते हो, 5 साल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? Yes, किसी को प्रॉब्लम यहां तक समझने में? ठीक है, सो वेबसाइट बनाने के बाद 2 स्टेप क्या है आपके, होस्टिंग परचेज करनी है और क्या परचेज करना है, डोमेन नेम परचेज करना है ताकि आपकी वेबसाइट चल सके। ठीक है, तो तुम लोगों ने एचटीएमएल वाले बैच में नहीं किया ये? दिस यूजली इज योर फर्स्ट लेक्चर ना। चलो वापस आ जाओ, वापस आ गया। अब हम कह रहे थे कि हमने वेबसाइट बना ली, अब हम कह रहे हैं हमने वेबसाइट नहीं बनाई। ठीक है, वापस आ जाओ, अब हमने वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट बनानी कैसे है? सो हमारी वेबसाइट में 2 पार्ट होंगे आपके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर आपने स्टैटिक बनानी है सो देयर विल बी ओनली फ्रंट एंड, नो बैक एंड। अगर क्या बनानी है, स्टैटिक। अगर डायनेमिक बनानी है तो आपको फ्रंट एंड बनाना है प्लस क्या बनाना है, बैक एंड बनाना है। ये चीज याद रखना। ठीक है जी, राइट। सो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो पार्ट है जो यूजर देखेगा, जिसके साथ यूजर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो वो हमारा क्या है, फ्रंट एंड पार्ट बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, फ्रंट एंड बोलते हैं। इसे हम क्लाइंट साइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये जितना अच्छा बनेगा उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट जो है यूजर पसंद करेगा, उतने विजिटर बार बार आएंगे आपके पास। ठीक है, अब फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें मिनिमम क्या चाहिए? ठीक है जी, राइट। आज की डेट के अकॉर्डिंग, अगर पुराने पे चले जाए, पुराने टाइम पे, तो पुराना टाइम मतलब 100 साल पहले नहीं, 10-15-12 साल पहले चले जाओ। ठीक है, या 7-8 साल पहले चले जाओ, तो देवर ओनली 2 languages वी नीड, HTML एंड CSS। बिकॉज ऑफ यूजर एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, तो फिर JavaScript भी बीच में ऐड हो गई है। ठीक है, राइट। सो मिनिमम यू नीड 3 languages, HTML, CSS, JavaScript, याद रखना। ठीक है, अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, सो HTML बेसिकली हम कब यूज करते हैं? HTML हम यूज करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट का ढांचा बनाना है। इज अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जैसे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप दीवारें खड़ी करते हैं, आप कमरे बनाते हो। ठीक है, ये चीजें लाकर रखते हैं उसके अंदर, तो आपने क्या कर दिया, अपना एक क्या बना दिया, ढांचा खड़ा कर दिया। सेम HTML का काम है। तो HTML क्या करेगा, ढांचा खड़ा करेगा। इमेज लगानी है कैसे लगानी है, ऑडियो लगानी है कैसे लगानी है, पैराग्राफ लिखना है कैसे लिखना है, पॉइंट्स बनाने हैं कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये सब कौन बताता है? HTML। और HTML का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे आप कहते हो मैं जावा नहीं, पाइथन सीखना चाहता हूँ, पाइथन नहीं, ये लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, C++, लेकिन HTML का कोई ऑल्टरनेट नहीं। क्योंकि HTML W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि इंटरनेट के स्टैंडर्ड बनाता है, उसने उसे स्टैंडर्ड बनाया है। किसी भी वेबसाइट का जो ढांचा है वो किसमें बनेगा, क्योंकि आपका ब्राउजर सिर्फ उसके लिए HTML लैंग्वेज ही समझ पाएगा। वेबसाइट किसने दिखानी है, ब्राउजर। ठीक है जी, राइट। तो ब्राउजर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ पाएगा, HTML समझ पाएगा। ठीक है जी, तो चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाले सॉफ्टवेयर देखो, चाहे आप खुद कोड करो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ब्राउजर को क्या मिलना है, HTML मिलना है। क्लियर होगी बात? ठीक है, सो दैट इज व्हाट जॉब ऑफ HTML इज। मैं बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ, हालांकि मैं सिर्फ HTML के ऊपर आपके 2 घंटे ले सकता हूँ, HTML क्या है ये बताने के लिए। ठीक है, राइट, बट लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। सो वी हैव नाउ, हमारा ढांचा तैयार हो गया, हमारा घर तैयार हो गया। ठीक है, लेंटर ऊपर पड़ गया, दीवारें ढल गई, अब हम डायरेक्टली उधर रहने नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो हमें उसे थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। क्या करना है, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, चीजें प्रॉपरली मैनेज हो, मार्जिन पैडिंग जो चीजें हैं बीच में आती है, दो चीजों में इक्वल चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वहां पे हमारा आता है CSS। क्या आता है, CSS, कास्केडिंग स्टाइल। ये हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है जी, राइट, उसको ब्यूटीफाई करेगा। ठीक है, सो अगर आप HTML में वेबसाइट बना दोगे तो कोई नहीं देखेगा उसे, आपको उसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। और वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, CSS यूज करते हैं, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। अरे बात समझ। ठीक है, थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। अब मेरी वेबसाइट बन गई, मैं यहां तक छोड़ सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया कि यार बॉस, हमने अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, डॉक्टर की वेबसाइट बनानी है स्टडी, तो HTML लगाओ, CSS लगाओ, छोड़ दो, पोस्ट कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए। बनाना शुरू करो, ऐसी वेबसाइट बनाना शुरू करो, दैट्स इट। ठीक है जी, राइट। बट आप चाहते थे अब थोड़ा थोड़ा कि मेरी वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा डायनेमिक चीजें हैं, हल्की फुल्की परफॉर्मेंस रिलेटेड, इसके रिलेटेड कई चीजें हमें करवानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्लाइडर दिखाना है,
स्लाइडर दिखाना है हमें, ठीक है जी, राइट। या हम चाहते हैं कि हमारा कोई फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमें जैसे चाहना है कि नेम ब्लैंक ना छोड़ो, ठीक है, ऐसी चीजें करनी है। तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, जैसे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेटर दिया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, राइट। या फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स की वेबसाइट है तो मैंने वहां पे दिया हुआ है कि आप फीस ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो, ये मैंने कैलकुलेटर दिया, फीस डालो मैं आपको बता दूंगा कितनी ईएमआई है बनेगी। तो ऐसी चीजें हम किसके अंदर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। तो जितने आप देखते हो स्लाइडर लगे होते हैं, घूम रहे होते हैं पीछे, ठीक है, राइट, एंड जितना हल्का पॉपअप्स आते हैं जब आप वेबसाइट खोलते हो, छोटे मोटे पॉपअप्स आ जाते हैं, ये सारा काम आप इसके अंदर करवा सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर करवाना चाहते हो, ठीक है जी, राइट, नॉट बूटस्ट्रैप, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, समथिंग एल्स मैं बताता हूं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ये काम कर सकते हो। आज की डेट में अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, आप चाहे कुछ भी सीखो। अगर आपने ऐसा वेबसाइट डेवलपर जाना है, ऐप डेवलपर जाना है, कहीं पे भी जाना है, जावास्क्रिप्ट यूज होती है। जावास्क्रिप्ट पहले बहुत लिमिटेड थी फ्रंट एंड तक, अब उसे बैक एंड में भी ले आए, क्योंकि ये हल्की लैंग्वेज है, बहुत स्पीड देती है। तो चाहे आज आपने ऐप बनानी है, चाहे वेबसाइट बनानी है, चाहे फ्रंट एंड बनाना है, चाहे बैक एंड बनाना है, सब जगह जावास्क्रिप्ट यूज होती है। अकेली जावास्क्रिप्ट सारे काम कर ली जाती है, ठीक है जी, राइट। सो आज की डेट में सबसे बेस रिक्वायरमेंट, कभी भी किसी कंपनी में आईटी में जाओगे, वो पहली चीज तुम्हारे रिज्यूमे में, आज का जो नया बंदा है अगर वो इंटरव्यू ले रहा है, उसकी पहली आपकी तुम्हारे रिज्यूमे में जाएगी जावास्क्रिप्ट। And JavaScript itself a study of 3 to 6 months, अगर आपको उसको सीखना ही है, इतनी बड़ी JavaScript कर दी गई, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड, क्योंकि मैंने कहा JavaScript की पावर बहुत ज्यादा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो JavaScript is the most important language, ये कहीं पे भी लिख लो, इसको इट इज the most important language of internet, ठीक है, राइट। सो ये तीन लैंग्वेज हमें मिनिमम चाहिए अगर हम कहते हैं कि हमने क्या बनाना है, फ्रंट एंड बनाना है, क्या बनाना है, फ्रंट एंड हमें डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, राइट। सो चलो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, आप में से कई लोगों ने, हमने आपने सुना होगा, मैंने कहा था बूटस्ट्रैप भी सीख के आना, ठीक है जी, राइट, उसकी बात कर लेता हूं। सो बूटस्ट्रैप, जेक्यूडी, ये सब हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बूटस्ट्रैप क्या है, आप लोगों ने पढ़ा किसी ने या सुना उसके बारे में, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो बूटस्ट्रैप क्या है, तुम्हारी नॉलेज के बारे में, अल्टरनेट ऑफ सीएसएस, सीएसएस का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, बड़े ध्यान से सुनना, हाँ, दोनों चीजें, बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सीएसएस, इट इज नॉट एन अल्टरनेट ऑफ सीएसएस, बूटस्ट्रैप इज इटसेल्फ अ सीएसएस, इट इज अ लाइब्रेरी जिसमें पहले से कोड लिखा गया है। सो बूटस्ट्रैप हम दो वजहों से यूज करते हैं, याद रखना, पहला इसमें, फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से, तुम लोग एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर मान के चलते हैं, बोली मान के चलते हैं कि तुम बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, ठीक है, तुम वेबसाइट बना रहे हो, तुमने कोडिंग बहुत अच्छी कर ली, लेकिन दिखने में अच्छी नहीं लग रही, डिजाइन अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि लेट्स मुझे कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं पता यार कौन सा कलर इस पे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ये मेरा डोमेन, मैं कहता हूं मैं तो प्रोग्रामर अच्छा हूं, लेकिन वेबसाइट अगर अच्छी नहीं बनेगी तो लोगों को पसंद ही नहीं आएगी, तो लोग तो बाद में फीचर देखेंगे ना, पहले तो देखेंगे दिखने में कैसी है वेबसाइट, अरे ये बात समझ में। सो बूटस्ट्रैप क्या कहता है, बूटस्ट्रैप आपको लाइब्रेरी दे देता है, बहुत सारे कलर कोड्स बना के देता है, कॉम्बिनेशन फॉन्ट से बना के दे देता है कि ये अपनी क्लास अपने प्रोजेक्ट में यूज करो, ये मार्केट में अच्छे चलते हैं। तो उन्होंने पहले रिसर्च की हुई है कि ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं जो अच्छी वेबसाइट पे लगते हैं, तो दैट इज द बूटस्ट्रैप पहला। सो बूटस्ट्रैप इस फ्रेमवर्क क्या देता है हमें, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क क्या देता है, लाइब्रेरीज क्या देता है, जैसे पाइथन में लाइब्रेरी थी ना इनबिल्ट इंपोर्ट करते थे, वैसे बूटस्ट्रैप में बने बनाए कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिन कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके, जिन कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इवन अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है इसके बारे में, कलर्स फॉन्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो स्टाइल्स बने बनाए हैं, स्टाइल्स क्या है, बने बनाए हैं, मुझे फॉर्म बनाना है, मुझे अच्छे फॉर्म्स बनाने नहीं आ रहे कलर्स में, तो वो मुझे बने बनाए फॉर्म्स के स्टाइल दे देगा, क्लियर होगी बात, ठीक है, कल आएगी। सेकेंड, इट
जो मेन रीजन बूटस्ट्रैप यूज करने का है, तो बूटस्ट्रैप आपकी वेबसाइट को क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिव, क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिव। तो ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कोई भी क्लाइंट आएगा बोलेगा मुझे रिस्पॉन्सिव साइट चाहिए, चाहे उसे पता हो ना हो, ठीक है जी। पर रिस्पॉन्सिव साइट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव साइट ये है कि मेरी वेबसाइट चाहे लैपटॉप में खुले, चाहे डेस्कटॉप पे खुले, चाहे मोबाइल फोन पे खुले, चाहे टैबलेट पे खुले, वो इक्वल जो परफॉर्मेंस है वो क्वालिटी देनी चाहिए इंटरफेस की। नॉर्मली आप लोग देख रहे हो ना पुरानी कोई वेबसाइट खोलते हो तो मोबाइल पे खोलो तो बड़ा जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, आगे स्क्रॉल करना पड़ता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं। आज की डेट में आपकी अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देगा। अगर आपको नहीं पता कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है, जॉब ही नहीं देगी किसी ने आपको। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब है कि हम हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं। ये बात समझ में। और सीएसएस में जब हम क्योंकि करना तो सीएसएस में पड़ेगा डिजाइन, जब हम सीएसएस में डिजाइन करते थे तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमें हर डिवाइस के लिए कोड लिखना पड़ता था सीएसएस का। इसे मीडिया क्यूरी कहते हैं, सीएसएस में कंसेप्ट है किस नाम का, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने सीखा है कि नहीं, बट सीएसएस में मीडिया क्यूरी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आइडिया ले लेता था कि ये मेरा स्मार्टफोन है, तो हम लोग स्मार्टफोन में इतने पिक्सल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन का कोड लिखते थे सीएसएस। सेम टैबलेट के लिए अलग लिखते थे कि टैबलेट में ये अच्छा लगेगा, ये चीज यहाँ पे ठीक लगेगी। सेम टैबलेट लैपटॉप के लिए, सेम डेस्कटॉप के लिए। तो एक तो हमें कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, एक ही कोड सीएसएस का अकॉर्डिंग टू डायमेंशन पिक्सल साइज। अरे बात समझ में, पहली ये चीज। दूसरी, ये लिख के भी नहीं प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बन पाएगी, क्यों, क्योंकि आज अगर आप मोबाइल लेने जाओ तो मोबाइल के भी एक स्क्रीन साइज नहीं है। अरे बात समझ में, मैं लैपटॉप लेने जाऊं तो लैपटॉप का भी एक सिंगल स्क्रीन साइज, ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास। तो इसको किसने रिजॉल्व कर दिया है, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप में अब आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको कोड एक ही बार लिखना है, और वो अपने आप डिवाइस के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, रिस्पॉन्सिव बना लेगा। सो दैट इज व्हाट आवर जॉब ऑफ बूटस्ट्रैप इज। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप कहा था कि आना चाहिए, उसमें आपको कुछ नहीं सीखना, दो दिन बैठोगे इंटरनेट पे आपको बूटस्ट्रैप आ जाएगा, आप खुद ही बैठोगे, आपको ये वेट करना कि टीचर मुझे कब बताएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी सीएसएस आती है तो वो बनी हुई इनबिल्ट सीएसएस क्लासेस है। अब क्लास बनाते थे ना सीएसएस में, तो वहां पे पहले से क्लास बनी है, तो बस एक बार उसी वेबसाइट पे जाओ बूटस्ट्रैप की, वो आपको सब सिखा देगा कि फॉर्म के ऊपर ये क्लासेस लगा सकते हो, ठीक है जी, राइट, फॉर्म के ऊपर ये क्लासेस लगा सकते हो, बटन के ऊपर ये क्लासेस लगा सकते हो। आपको ये खुद रिसर्च करना पड़ेगा, हर चीज कोर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सबको ये अपग्रेड करना पड़ेगा। सो क्लियर हो गया, ठीक है। सो मैंने इसे बूटस्ट्रैप बेसिकली ये क्या कर रही है, ये आपका बर्डन कम कर रही है, ठीक है जी, इन टर्म ऑफ, ये तो रिस्पॉन्सिव बना रही है, इन टर्म ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। वैसे अगर आप जावा, तो ये किसकी लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, सीएसएस की, ठीक है जी। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट पे आ जाओ, अब मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूं, मैं प्रोग्रामर अच्छा नहीं हूं, मैं डिजाइनर बहुत अच्छा हूं लेकिन मैं अच्छा प्रोग्रामर, मैं जावास्क्रिप्ट पहले दिन सीखी मेरे सिर के ऊपर से चली गई। मैं कहता हूँ यार ये क्या आ गया, मैं तो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन में था, तो ये सोच के वेबसाइट बनाने आया था कि मेरा कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा सा डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की भी लाइब्रेरीज आ गई जिन्हें आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हो तो आपको 15 लाइनें लिखनी पड़ती, उन लाइब्रेरी में आपका वही काम एक दो लाइनों में हो जाएगा, बने बनाए इफेक्ट्स, बने बनाए स्लाइडर्स, सब कुछ अवेलेबल, आपको बस वो यूज करना। जैसे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जेक्यूडी, कौन सी लाइब्रेरी है, अगर आप जेक्यूडी डाउनलोड करते हो तो उसमें बहुत सारा कोड पहले से बना के दिया हुआ है, एनिमेशन का, इफेक्ट्स का, ठीक है, सारे कोड्स पहले से बना के दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उन्हें कॉल करके मैनेज करना है, ठीक है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो थोड़े एक्टिव होते हैं जो मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, कि सर अगर हम लोग लाइब्रेरीज यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर हम प्रोग्रामर कहाँ के, हम क्यों सीख रहे हैं, अगर हमने क्या यूज करनी है, लाइब्रेरीज, बनी बनाई चीजें यूज करनी है तो हम प्रोग्रामिंग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अभी जिस इंडस्ट्री में हम लोग जी रहे हैं ना, उसमें दो चीजों के चैलेंज है। पहला, कि आज से कुछ साल पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे और जब हम लोग ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, काम करना स्टार्ट किया था, तो या जब उस टाइम पे कंपनीज होती थी, तो क्लाइंट क्या था, क्लाइंट आता था, क्लाइंट कह रहा था सर हमें ना अगले साल वेबसाइट चाहिए, हम अगले साल ये काम करने जा रहे हैं, तो हमें वेबसाइट बनवा दो, सॉफ्टवेयर बना दो, हम 6 महीने बाद काम करने जा रहे हैं, हमें वेबसाइट चाहिए, ठीक है। आपके पास टाइम था, आप क्या करते थे, कोडिंग करते थे, अच्छे से बना देते थे। आज क्लाइंट आता कहता है वेबसाइट चाहिए, मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी चेंज हो रही है, तो बिजनेस भी उसी अकॉर्डिंगली काम करेंगे ना,
कुछ आज आया वो कहते हैं उस आईएस वाले सेंटर ने ये लॉन्च कर दिया मुझे भी लॉन्च करना है फीचर अगले हफ्ते, ठीक है जी राइट। अब आप क्लाइंट की पूरी कोडिंग लिख के कैसे वेबसाइट बनाओगे, अरे बात समझ में। सो प्रोग्रामिंग रह गई है लिमिटेड ऑफ क्रिएटिविटी में, जहां पे क्रिएटिव फीचर चाहिए उसमें तो आप करोगे करोगे, प्लस जो फीचर जो कि रेगुलर है जो हर चीजों में कॉमन है तो कहते उसके लिए कोडिंग क्यों करो जो कॉमन चीजें हैं। कितना कॉमन हो गया स्लाइडर, तो कहते उसकी पहली लाइब्रेरी बना दो बस उसे अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करो। कस्टमाइज करना है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप उस फीचर को क्या कर सको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सको, क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैंने जावास्क्रिप्ट की एक लैंग्वेज यूज करके कोई बनी बनाई चीज ले आया बट क्लाइंट कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए इसमें चेंजेस चाहिए, तो अगर मुझे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी लैंग्वेज तो मैं एज अ प्रोग्रामर उसे कस्टमाइज लैंग्वेज आना भी जरूरी है। आगे बात समझ में, दोनों तरफ से चीजें जरूरी है। तो लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइब्रेरीज यूज नहीं करोगे आप मार्केट के साथ मैच नहीं करोगे। आप किसी भी कंपनी में जाओगे वो बंदा आपको इस बात की सैलरी नहीं दे रहा कि आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हो, उसको ये भी देखना है ना कि उसका प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको पैसा नहीं मिलना। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन। जो इस लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हैं उसके बाद जो हमारी भी कोडिंग बचती है आजकल वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई जा रही है बेटा, वो डिबेटेबल है कि उसमें आप कितना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा डिबेटेबल है क्योंकि वो एक चीज आपको बना के देता बट वो जरूरी नहीं ऑप्टिमाइज हुए हो, उसका काम है एआई का कि उसने आपको बना के दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रोग्राम जो आज तक मैंने आपको कराया, कोई भी एक प्रोग्राम उठा लो, मैं उस प्रोग्राम को आपको 10 तरीके से करा के दिखा सकता हूं क्योंकि वो 10 एनवायरमेंट में अलग अलग चल रहा है, सेम प्रोग्राम सेम आउटपुट, कहीं पे मुझे हार्डवेयर ऑप्टिमाइज करना है, कहीं पे मुझे नेटवर्क ऑप्टिमाइज करना है, एआई वो नहीं करेगा, एआई आपको सिर्फ एक प्रोग्राम दे देगा, ठीक है जी राइट। पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एआई अभी बहुत डिबेटेबल, उसके लिए मेरे साथ एक लेक्चर अलग रख सकते हैं जहाँ पे हम पूरी डिबेट कर सकते हैं कि एआई में क्या मिथ है क्या फैक्ट्स हैं, बहुत चीजें हैं, एआई को भी डिकेड्स लगेंगे प्रॉपर, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है राइट। सो ये हमारा फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड में हम लोग क्या यूज करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस एंड और सपोर्ट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप जेक्यूरी जैसी लाइब्रेरी, और भी लाइब्रेरी जो आप और ढूंढ सकते हो बहुत सारी लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन कॉमन रिस्पॉन्सिव बनाना है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, बूटस्ट्रैप तो यूज करो आज के डेट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है वेबसाइट का, ठीक है। अब आपने फ्रंट एंड बना लिया, अब आपको क्या बनाना है, अब आप चाहते हो बॉस की अब हमारी एप्लीकेशन कुछ करे भी तो सही, अगर वो लॉग इन करे तो मैं चेक भी तो करूँ उसका लॉग इन आई डी ठीक है कि नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करे मैं दिखाऊंगा भी तो सही, वो ऑर्डर भी तो दे सके, जिस काम के लिए भी आपने वेबसाइट बनाई है, तो वह हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग। तो वहां भी हमारा आ जाता है बैकएंड। अब बैकएंड में आपके पास चॉइस है, फ्रंट एंड में नहीं है, फ्रंट एंड में आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही करना है, दैट इज फिक्स्ड, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड में हम आपको चॉइस दे देते हैं, ठीक है जी, कि बैकएंड में आपने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, सो यू कैन यूज जावा, जो लोग जावा सीख रहे हैं वो आगे जाके एडवांस जावा अगर सीखते हैं जेएसपी सर्वलेट्स तो वो उसमें वेबसाइट बना सकते हैं, आप पाइथन में वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपने सीखा पाइथन में आप वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, आप ASP.NET में बना सकते हो, रूबी ऑन रेल्स में बना सकते हो, PHP में बना सकते हो, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास कहां पे है, बैकएंड में। आपने ऑप्ट करना है कि करियर पर्सपेक्टिव से कि मैंने किस लैंग्वेज में अपनी वेब एप्लीकेशन बनानी है, अगर आप प्योर आईटी में जाना चाहते हो, इसमें जाना चाहते हो प्योर आईटी में, आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो कम से कम आपको दो क्या सीखनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है जी, क्लियर हो गया। या फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो कि यार फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो एक लैंग्वेज आप सीख के उसी में बनाई जाओ, फिर परफेक्ट हो गया, क्लियर है यहाँ तक, डन, ठीक है राइट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, सो दैट इज योर बैक एंड, ठीक है राइट। अब इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है और कॉम्प्लेक्सिटी हुई है, तो ग्रा नहीं है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, सो बड़े ध्यान से सुनना फिर से, फ्रेमवर्क अगेन पीछे ले जाता हूं 8-10 साल पहले, आपने जावा सीखी बहुत अच्छे तरीके से सीखी परफेक्ट हो जावा में, मार्केट में जाते थे शायद ऑफिस से बाहर कदम रखोगे लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे जॉब के लिए, ठीक है, इतनी पावरफुल लैंग्वेज क्या कोई भी लैंग्वेज अगर तुम्हें अच्छी तरह से आती है तो जॉब मिलना प्रॉब्लम, अब तुम ढूंढ नहीं पाते थे वो अलग बात थी, तो कंपनी में बहुत जॉब थी, ठीक है, वो अलग बात है कि हम ढूंढ नहीं पाते या हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है जी राइट। तो जॉब बहुत ज्यादा है लैंग्वेजेस, ठीक है, आज अगर हम लैंग्वेज लेके जाए तो जॉब नहीं देता, हमसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेमवर्क कौन सा,
क्या पूछेगा, लैंग्वेज तो सीख ली बट वो लैंग्वेज में कौन सा फ्रेमवर्क सीखा है, हम ये फ्रेमवर्क क्या बना रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेमवर्क बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैं उसको डीमिस्टिफाई करता हूं तुम लोगों के लिए। पहला, फ्रेमवर्क जो है हमें देता है बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स, क्या देता है, बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब ये जरूरी है, जैसे थोड़ी देर पहले बोला मुझे एक वेबसाइट बनानी है और एक महीने में ही बना के देनी है, दो तीन हफ्तों में बना के देनी है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे स्क्रैच से कोडिंग ना करनी पड़े, कहां से कोडिंग ना करनी पड़े, स्क्रैच से, मेरा टाइम बचता है, ठीक है जी। तो जो चीजें चाहिए हमें, जो हर वेबसाइट में कॉमन है, तो पहले से हमें किसमें मिल जाती है, फ्रेमवर्क उसमें मिल जाएगी। फ्रेमवर्क हमें क्या देता है, लाइब्रेरी सपोर्ट, क्या देता है, पर्टिकुलर जिस चीज का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हम जेंगो फ्रेमवर्क यूज करेंगे ना, तो जेंगो सिर्फ इसके लिए यूज होता है, वेब एप्लीकेशन के लिए, उसमें आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे जो आपको एक अच्छी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए, तो आपका काफी हद तक काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये बात समझ में, सो इट प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स यू सर्टेन फीचर जो हम नॉर्मली नहीं कर पाएंगे एज अ वेबसाइट डेवलपर। अब मैंने पेज बनाया लॉग इन आईडी पासवर्ड का, लेट्स सपोज, और मैंने उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके क्या कर दिया, कोड भी लगा दिया, पर क्या मैंने एक अच्छी सिक्योर वेबसाइट बनाई, नहीं, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी का कोड लगाना, मुझे नहीं पता कि अपनी वेबसाइट को हैकर से कैसे बचाते हैं, वो तो एक अलग डोमेन हो गया ना, चलो पहले मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, फिर मैं एक सिक्योरिटी वाले बंदे को दूंगा, इसे टेस्ट करो और इसके अंदर वो कोड डालो जिससे मेरी वेबसाइट क्या हो जाए, क्योंकि अभी तक तो हम सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रहे थे, अभी तक हमारा मकसद क्या था, आपकी वेबसाइट बना के, बट क्या रियल वर्ल्ड में बिना सिक्योरिटी के आज तक काम हो पाएगा, तो फ्रेमवर्क आपको सिक्योरिटी भी दे देते हैं। आगे बात समझ, अब मैं वेबसाइट बना रहा हूं, मेरे घर को यूजर्स बढ़ गए, मुझे पता ही नहीं ऐसा कोड कैसे लिखा जाए कि मेरी वेबसाइट अपने आप स्केल हो जाए, बेटिंग ऑफ पॉइंट, क्या कोडिंग होती है जिससे जितने ज्यादा यूजर आए मेरी वेबसाइट से ऑप्टिमाइज कर पाए, और कुछ चीजें तो हार्डवेयर पे भी डिपेंड होगी, कुछ सॉफ्टवेयर पे भी होती है, तो इसका मतलब नहीं सारा कसूर उन पे डाल देते हैं, आपकी वेबसाइट का भी कोड कई बार गलत होता है कि जैसे ही लोग बढ़ते हैं तो आपकी वेबसाइट उसे संभाल, अरे बात समझ में, तो फ्रेमवर्क आपको स्केलेबिलिटी भी देते हैं, अगर आप अच्छा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपकी जल्दी वेबसाइट डाउन नहीं होने देगा, अरे बात समझ में, जिस काम के लिए भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के लिए कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर पे, तो फ्रेमवर्क आपको क्या क्या देते हैं, कॉम्पोनेंट्स, फ्रेमवर्क आपको क्या देते हैं, सिक्योरिटी, फ्रेमवर्क आपको क्या देते हैं, स्केलेबिलिटी, और फ्रेमवर्क आपको पहले आर्किटेक्ट दे देते हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लेट्स सपोज मैंने तुम सबको हायर किया होगा और तुम सब लोग पहले एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे, फ्रेमवर्क मतलब कोई ढांचा यूज नहीं कर रहे कि इसी तरीके से बना रहे, आप सब लोग अपना अपना काम कर रहे हो, तुम्हें टीम में कोड डिवाइड कर दिया गया, ठीक है जी। 10 दिन बाद आप कैसे, दो लोग मेरे पास आए कहें हमें दूसरी जगह जॉब मिल गई सर, डबल सैलरी में, आप तो हमें कम सैलरी दे रहे हो, हम जा रहे हैं बाहर, आप रिजाइन डाला, आप निकल गए, मैंने दो बंदे हायर किए, वो दो बंदे मेरे पास आए, अब वो आपका कोड भी आगे बढ़ाएंगे, तो पहले तो महीना उनको आपका कोड समझने में लग जाएगा, क्योंकि तब तक आप 1000 लाइनों का कोड लिख चुके हैं, और क्योंकि दो लोग अलग अलग कोड कर रहे थे, दोनों के कोड करने का स्टाइल क्या होगा, उसे समझना पड़ेगा। सो फ्रेमवर्क एक आर्किटेक्ट बना देता है कि बॉस ये वाला कोड यहाँ पे लिखना है, ये कोड यहाँ पे लिखना है, और ऐसे लिखना है, ताकि एक ही आर्किटेक्ट, एक ही यूनिफॉर्मिटी में आपका प्रोजेक्ट चलता रहे। अभी कल को ये जो अनसीन प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई नया आया, कोई पुराना गया, किसी और को कोड, अगर उसको ये फ्रेमवर्क आता होगा तो उसे पता है कोड ये वाला मुझे यहीं पे मिलेगा, ये कोड ऐसे ही बनाना है, ये बात समझ में। तो हमारा मकसद क्या होता है, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम देखते हैं मार्केट में कौन से फ्रेमवर्क चल रहे हैं इस लैंग्वेज के ऊपर, और कौन से सबसे फेमस फ्रेमवर्क चल रहे हैं, जैसे पाइथन है, तो हम देखेंगे अगर हमने पाइथन में वेबसाइट बनानी है तो कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है, तो जेंगो चल रहा है, फ्लास्क चल रहा है, ऐसे और फ्रेमवर्क है, तो हमने क्या ऑप्ट किया, जेंगो, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट में जॉब किस में है, प्रोजेक्ट किस में बन रहे हैं, जेंगो, इसलिए मैं आपको जेंगो करवा रहा हूं, ठीक है। वो आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, अब उसमें आपने सुना होगा एक वर्ड रैप्ट, आजकल बड़ा चल रहा है, एंगुलर, नॉट, रैप्ट, ये सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये फ्रेमवर्क अगर आप सीखते जाओगे तो लोग आपको उठा के ले जाएंगे, आओ भाई, क्योंकि इसकी कमी बहुत ज्यादा है, हमारी अपनी डेवलपमेंट कंपनी में हमें लोग नहीं मिलते रैप्ट के, हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कितने जो हमने छोड़े, जहां पे क्लाइंट हमें 10-10 लाख रुपए एक वेबसाइट के लिए देने के लिए तैयार हो गए थे एप्लीकेशन के लिए, बट हमारे पास बंदा ही नहीं है, रैप्ट का मिल ही नहीं रहा, मैन पावर ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि आज जैसे बच्चे जावा पाइथन सीखने बाहर निकलते जा रहे हो, आप लोग वो सीख रही है जो मार्केट के अंदर चाहिए। बात समझ में? सो लैंग्वेज आपकी डेट में इनफ नहीं है, लैंग्वेज के बाद आपको क्या आना चाहिए? फ्रेमवर्क। ठीक है जी, अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं आते तो आप रियल एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आपको अपना प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट कि जब आप कोर्स करने जाए आपसे कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड रहे कि वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। आपको पहले, आपको हमेशा पहले रिसर्च करके जाना है अपने प्रोडक्ट का कि अच्छा ये मार्केट में चल रहा है, ये मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मुझे फ्रेमवर्क सीखनी है, एंड देन मैं एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना पाऊंगा। ठीक है, अंटिल और अनलेस अगर आप इसलिए नहीं आए मैंने अब्रॉड ही जाना है, वहां पे पढ़ के फिर हम लोग जॉब करनी है तब देखेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है चीजों को समझने में, इतना टाइम नहीं रहता, प्रेशर होता है, घर वाले कहते हैं कोर्स भी खत्म हो गया, इतना पैसा खर्च किया, नौकरी करो, पता लगता है जो पढ़ा है चाहे कॉलेज अब्रॉड भी जाके जो पढ़ा है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उस चीज़ तो सेम ही है सब्जेक्ट। ठीक है जी, राइट, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले इंस्टीट्यूट में आके पैसे खर्चते हैं, फिर जब नौकरी लगाते हैं तो पता लगता है ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही है तो फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क सीखने में टाइम वेस्ट करते हैं। सो ये हमारे पास जैसे बैकएंड फ्रेमवर्क की बात करें तो जेंगो है पाइथन में, जैसे लारावेल लिखा है तो लारावेल पीएचपी, अगर कोई पीएचपी लैंग्वेज सीखने जा रहा है आज की डेट में तो वो कौन सा ढूंढेगा, मुझे कोई लारावेल में पीएचपी सिखाए। ठीक है जी, राइट, सेम फ्रंट एंड अगर कोई अच्छा सीखने जा रहा है तो क्या कहेगा मुझे किसमें सिखाए, रिएक्ट में मुझे सीखना है जी, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, याद रखना किसका नहीं आता लेकिन फिर भी कुछ पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने कहा बहुत पावरफुल बना दी गई है आज की डेट में, रिएक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, एंगुलर भी तो सीख गई है, मेरी सिचुएशन, मेरी जो स्टेटमेंट है वहीं पे आपको सपोर्ट कर देगा। ठीक है जी, जो आप मैं बोल रहा हूँ, सो दिस इज बेसिकली व्हाट बेसिक ऑफ वेबसाइट, जो मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट शुरू करने से मैंने आपको पता हो, सो क्लियर हो गया, टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव भी, मार्केट परस्पेक्टिव भी क्लियर है, ठीक है, राइट, सो ये एक आप लोगों को सीखना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग